हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ आलू और बैंगन की कलौंजी शेयर करने जा रहे हैं। तो ये हमने सात बैंगन ले लिए हैं और ये हमने आलू साथ लिए हैं। इसको हमने अच्छी तरह से छील लिया है, वाश कर लिया है बैंगन। और ये देखिए, हमने एक बड़े साइज़ की प्याज काट ली है और ये हमने काला नमक और खाने वाला नमक लिया है अपने स्वाद के अकॉर्डिंग। और ये हमने खटाई ली है हाथ से पिसी हुई, ये हमने पिसा हुआ पूरा मसाला लिया है जो खटाई में हमें डालना है कलौंजी में। तो ये हम इसमें कलौंजी मसाला डाले हैं, इसमें अजवाइन डाले हैं, सौंफ, मेथी, जीरा, सबको हम भून करके पीस लिए हैं। और ये हमने लहसुन और मिर्च लिया है, इसको भी हमने क्रश कर लिया है अच्छे से। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू। ये अपने हम मसाले तैयार करेंगे। तो हमें ये जो मसाले बनाए हैं सब में एक में सबको मिक्स कर लेना है। वो अमचूर पाउडर और ये हमने मसाला जो पीसा है और ये दोनों नमक है अपने स्वाद के अकॉर्डिंग। और ये थोड़ा सा हम गरम मसाला डालेंगे हाथ का पीसा हुआ, और ये थोड़ा सा गरम मसाला हमने हाथ से पीसा है, इसको भी ये थोड़ा सा इसको भी मिला देंगे ताकि बहुत टेस्टी हो, बहुत बढ़िया हो। और ये थोड़ा सा हम तेल मिक्स करेंगे ताकि इसका स्वाद बहुत ही अच्छा हो। और ये एक ढक्कन हमने सिरका लिया है, एक छोटा चम्मच है। इन सभी को एक में मिक्स करेंगे, हाथों से ही मिक्स करेंगे सबको। देखिए हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। अब हम बैंगन को तैयार करेंगे। अभी बैंगन का बीच से हम चीरा लगाएंगे और इसका जो एक्स्ट्रा है गूदा थोड़ा सा हम निकाल देंगे ताकि वो हमारा मसाला अच्छे से इसमें भर उठे। इसी तरह से हमें सब निकाल लेना है, इसका गूदा हम थोड़ा थोड़ा निकाल देंगे। ये हमने सभी बैंगन में चीरा लगा लिया है, ये हमारे सभी बैंगन तैयार हैं भरने के लिए। अब ये देखिए आलू भी हम इसी तरह से बस बीच से ऐसे कट कर देंगे। जब भी हम बनाते हैं कलौंजी, कोई भी कलौंजी, तो ये आलू का ज़रूर हम बनाते हैं। आलू कलौंजी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही टेस्टी होती है और ये भी बहुत जल्दी हो जाती है, पकने में लेट नहीं लगता है इसको। इसका भी हल्का हल्का ऐसे हम बीच से बहुत ज़रा ज़रा सा ये ऐसे निकाल देंगे बस। ये देखिए इसी तरह से हमें सब फाड़ लेना है और बीच से हल्का हल्का सा गूदा निकाल देना। ये हमने आलू को भी अच्छे से काट लिया है बीच से। अभी देखिए बैंगन में हम इस तरह से इसको भरेंगे, ये बहुत ही टेस्टी इस तरह से होता है। बहुत लोग प्याज नहीं खाते हैं, वो प्याज स्किप भी कर सकते हैं। लहसुन प्याज जो नहीं खाता है वो सिर्फ खटाई से और मसालों से ही बना सकते हैं, लेकिन प्याज डालने से बहुत ही बढ़िया ये होता है इसका टेस्ट। इसी तरीके से हम अपना सब भर के तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने ये बैंगन अपना भर लिया है, इसी तरह से भरना है इसको। और आलू का अब हम भरेंगे। अभी आलू को भरना है, ये देखिए आलू को भी ऐसे करेंगे और इसके अंदर ऐसे भर देंगे। आलू का बहुत टेस्टी लगता है खाने में। ये देखिए इसी तरह से हम आलू का भी भर लेंगे। ये देखिए हमने सब भर के तैयार कर लिया है। अब इसको हम ये हमने धागा ले लिया है, अब धागे से हम इसको अच्छी तरह से लपेट देंगे ताकि ये हमारा निकले ना। इसे धागे से लपेट देंगे, जब खाना होगा इसको तो हम धागे को बाहर कर देंगे। इस तरीके से बनाने से मसाला पूरा इसी में पड़ा रहता है, मसाला बिल्कुल भी हमारा गिरता नहीं है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। जब मसाला हमारा इसमें रहेगा तब ये बहुत ही अच्छा लगेगा। और बहुत लोग बनाते हैं ऐसे, मसाला पूरा गिर जाता है, इस तरीके से बिल्कुल भी मसाला गिरेगा नहीं। ये देखिए ऐसे हमें सब कर लेना है। इसी तरीके से हम सारे बैंगन में धागा लपेट देंगे। ये हमने बैंगन का भर लिया, अब उसी तरीके से हम ये आलू भी अपना लपेट लेंगे धागा।
इस तरह लपेटने से मसाले सारे हमारे उसी में पड़े रहते हैं, और इस तरह से हम उसको कर देंगे ताकि ये खुले ना धागा। देखिए ऐसे में लपेट लेना है धागा। ये हमने आलू को भी वैसे ही बांध लिया है। अब हम कढ़ाई में तेल को गर्म करेंगे और उसमें इसको फ्राई करेंगे। ये मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें ऐसे पूरा हम तेल अच्छे से फैला लेंगे। अब इसमें हम अपना ये बैंगन की कलौंजी जो है इसमें ऐड करेंगे। ये बिल्कुल नया तरीका हम आपको बता रहे हैं, इसी तरीके से आप भी बनाइए, आपका मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरेगा और बहुत ही बढ़िया कलौंजी बनेगी। अब इसी के ऊपर हम ये आलू भी रख देंगे। आलू का अगर आपने नहीं बनाया है तो इस तरीके से बनाइए, आलू का बहुत ही टेस्टी होता है। और गैस की फ्लेम को हम मीडियम में ही रखेंगे, थोड़ी देर इसको 5 मिनट के लिए कवर करेंगे, बीच बीच में चेक भी करेंगे। चलिए आइए अपना चेक करते हैं, हमारे 5 मिनट हो गए हैं, हमने एक बार भी इसको चलाया नहीं है। अभी हम इसको पलटेंगे। ये देखिए इस तरह करने से मसाले हमारे बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे और अच्छे से पलटा भी जाएंगे। हमें इसी तरीके से अपना सब पलट लेना है। ये हमने अपना सब पलट दिया है और फिर इसे हम कवर करेंगे और गैस की फ्लेम को एकदम मीडियम ही रखेंगे, एकदम लो फ्लेम में करेंगे उसको, 5 मिनट के लिए फिर ढक देंगे। चलिए अपना चेक करते हैं हुआ कि नहीं है। ये हमारा कलौंजी बिल्कुल तैयार है। ये देखिए अब हम इसको निकालेंगे, गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे। हम आपको निकाल के दिखाते हैं। ये आलू भी हमारा बिल्कुल हो चुका है। ये देखिए कितने आराम से चक्कू अंदर चला जा रहा है। देखिए हमारे सभी आलू पक गए हैं अच्छे से। अब हम इन्हें निकालेंगे, गैस की फ्लेम को हम ऑफ करेंगे और इसे नीचे उतारेंगे। ये देखिए ये हमारी कलौंजी बिल्कुल तैयार है बन करके। देखिए हमारा मसाला बिल्कुल भी गिरा नहीं है, सभी मसाले हमारे उसके अंदर हैं। ये देखिए बिल्कुल भी मसाला हमारा गिरा नहीं है। जब हमें खाना होगा तब हम ये अपना निकाल देंगे और ये हमारा बिल्कुल बनकर रेडी है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए, बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।